सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, सैमसंग 10 दिसंबर को लॉन्च करने जा रहा अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग A8s, जो है दुनिया का पहला इन डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन। तो चलिए दोस्तों, देख लेते दिखने में कैसा लगता है फ़ोन और क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं इस नए स्मार्टफोन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जहाँ पर मैं बात करता हूँ सैमसंग A8s के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर दी गई 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आती है 19:9 रेशियो के साथ। यहाँ पर आपको कोई नॉच तो नहीं मिलेगा, लेकिन साइड में एक होल जरूर दिख जाता है, उसमें फ्रंट कैमरा फिट किया गया है डिस्प्ले के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना स्नैपड्रैगन का 710 मिल जाता है। 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज सैमसंग A8s में दी गई है, जिसका बढ़ा सकते हैं 512 GB तक का एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाकर। बात करें कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग A7 की तरह 3 रियर कैमरे मिलते हैं। मेन कैमरा आता है 24 MP का, जो आता है 1.7 अपर्चर में। सेकेंडरी कैमरा मिलेगा 10 MP का, जो काम करता है वाइल्ड एंगल के लिए। और थर्ड कैमरा मिलता है 5 MP का, जो काम करता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। और सेल्फी के लिए मिलेगा दोस्तों 24 MP का फ्रंट कैमरा, जो आता है 2.0 अपर्चर में। सिक्योरिटी के हिसाब से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर सैमसंग A8s में दिख जाएगा। और बात करें कनेक्टिविटी के हिसाब से, तो डुअल सिम 4G वाईफाई ब्लूटूथ जैसे फीचर आपको सैमसंग A8 में मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया 8.0, जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। और इन सबको पावर देने का काम करेगी 3400 mAh की बैटरी, जो आती है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और अगले सोमवार को जब ये फ़ोन दोस्तों 10 दिसंबर को लॉन्च होगा, तब भी इसके बाकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और फीचर्स के बारे में पता चल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।